बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माइग्रेशन। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक उराइब की फ़्रॉक बनाकर दिखाऊंगी, जो तकरीबन 2 साल की बच्ची के लिए है। ये आरवंजा फैब्रिक है, ये आरवंजा है और ये इसके लिए लाइनिंग है। इसे हम इस तरीके से ट्राइंगल शक्ल में रखेंगे। रेप की फ्रॉक बहुत प्यारी सी बनेगी, आप ट्राई करें, यकीनन आपको पसंद आएगी। इसकी लेंथ होगी 28 इंच। इस साइड से कट कर लूंगी, अब नेक लाइन का निशान लगाऊंगी। इसी में आर्म होल भी और नेक लाइन भी 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। साइड से भी कट कर दूंगी। फ्रंट से नेक लाइन हल्की सी कट कर दूंगी, बैक पीस साइड से सिलीव्स लूंगी। इस तरीके से ये स्लीव्स की कट हो जाएगी। इसी तरीके से मैं लाइनिंग की कटिंग करूंगी। अभी इसी तरीके से मैं इसकी लाइनिंग की कटिंग करूंगी। फ्रंट पीस की टू इंच
मैंने गहराई से 3 इंच के करीब मैं इसको इस तरीके से कट करूंगी। इसी तरीके से फिर मैंने इसकी लाइनिंग की कटिंग करनी है। फ्रंट पेज की नेक लाइन की कटिंग लाइनिंग के भी इसी तरीके से कट कर देंगे। और ये बैक पीस ये फ्रॉक तैयार हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि फ्रॉक कितना खूबसूरत तैयार होगा। आप भी ज़रूर ट्राई करें, ईद के लिए ये फ्रॉक बहुत प्यारी बनेगी। इस पर हम फूल वगैरह भी लगाएंगे, टिशू के फूल। इस टिशू से हम फूल बना सकते हैं। उरेब की पट्टी बनाकर हम बड़ी सिलाई से चुने देकर बहुत अच्छे बहुत प्यारे प्यारे से फ्लावर बनाकर फ्रॉक पर लगा सकते हैं। और एक फूल हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल राउंड शेप में हम ये पीस कट करेंगे। इस तरीके से मैं आपको फ्लावर बनाकर दिखा रही हूँ। इसे हम बड़ी सिलाई से एक सिलाई लगाएंगे और फिर इसे इस तरीके से जब ये चुने आ जाएंगी ये गोल बहुत प्यारी सी फूल बन जाएगा। मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी इंशाल्लाह ज़रूर। अब इसके बीच में हम कोई छोटा सा फूल भी लगा सकते हैं, बटन लगा सकते हैं,
कुछ भी लगा लें, बहुत ही प्यारी बनेगी फ्रॉक, यकीनन आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन ज़रूर टच करें। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।